सरकारी अस्पताल गुड़सराय में दवाइयां उपलब्ध होने के बाद भी बाजार से लिखी जा रही है दवाइयां। पीड़ित ने की प्रशासन से कार्रवाई की मांग। झांसी जनपद के गुड़सराय के सरकारी अस्पताल में शासन के सख्त आदेशों के बाद भी शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई दवाएं होते हुए भी डॉक्टरों द्वारा दवाइयां मार्केट से अपने चहेते के दुकानदारों को पर्ची लिखकर मोटे कमीशन के चक्कर में मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों के साथ खुल्लम खुल्ला लूट मचाए हुए हैं। 16 जून शुक्रवार को राजेश पुत्र चिंतामन निवासी सुभाष नगर गरोठा ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गुड़सराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर ओपी राठौर को आपबीती लिखित शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी मोनिका को लेकर गुड़सराय अस्पताल आया था। राजेश सिंह है और मैं गरोठा का निवासी हूँ। आज जब मैं अस्पताल गुड़सराय में अपनी वाइफ को लेकर आया तो उसे शिकायत थी कमजोरी की, जिससे पैरों में जकड़न होती थी और थोड़ा दिल घबराता था। उसके लिए दवाइयाँ लिखी हुई, कुछ डिस्क्रिप्शन थे। जब मैंने पूछा कि सर ये दवाई कहाँ मिले तो उन्होंने डॉक्टर शेखर का नाम लिया मेडिकल स्टोर का। जब मैं वहाँ पे गया और वहाँ से दवाई लेकर आया, जब मैंने यहाँ पे पता किया कि सर ये दवाई अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये दवाइयाँ और ये इंजेक्शन है जो मुझे बाहर से लिखा गया था, और यहाँ पर जो लगाया गया सरकारी ये वाला यहाँ पर अवेलेबल था, फिर भी मुझे बाहर से ये वाला मंगाया गया। तो ये एक कमीशन का चक्कर है, डॉक्टरों का जो कमीशन होता है उसके चक्कर में गरीबों को बाहर से ये दवाइयाँ मंगवाते हैं। तो आपने वहाँ शिकायत की गुड़सराय अस्पताल में? जी, मैंने अभी गुड़सराय अस्पताल में शिकायत दी है साहब को और चिकित्सा अधिकारी जी को। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं? यही कि कार्रवाई, इस पर कार्रवाई हो जाए और जो गरीब लोग आते हैं उनको अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो वही दवाई। न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे जाएंगे। CMO ऑफिस है हमारा, SDM साहब है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना आई है कि जो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ भी हैं फिर भी बाहर से मंगाई जा रही हैं डॉक्टरों द्वारा। हाँ, अभी हमें एक मरीज़ के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये शिकायत है कि जो है हमें बाहर से दवाइयाँ लिखी हैं, और जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल की, काउंटर से भी जानकारी की और स्टाफ नर्स से भी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे सभी दवाइयाँ और शासन के द्वारा हर प्रकार की दवा उपलब्ध की जा रही है और अस्पताल में सही प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध। बाहर लिखने की, बाहर से दवाइयाँ मंगाने की सवाल प्राप्त हुई है और इसकी विधिवत जांच करा के। कौन डॉक्टर मंगाते हैं? उन्होंने जो डॉक्टर का नाम लिखा है उसमें डॉक्टर देवेंद्र भरिया का नाम शिकायती पत्र। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि इनका कमीशन बना हुआ है दुकानों से। ये सब चीज़ें जाँच कराने की।